शादी समारोह था। बारातियों से लेकर जनातियों तक के बीच में शोर शराबा मचा हुआ था। पटाखे फोड़ने हुए दूल्हे राजा मैरिज लॉन के पास पहुंचे। समय बीता, बारातियों के लिए खाना शुरू किया गया। खाना चल ही रहा था कि अचानक बारातियों से लेकर जनातियों तक को पुलिस ने घेर लिया, जिसके बाद बारातियों से लेकर जनातियों तक के बीच में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों के साथ भारी फोर्स मैरिज लॉन के अंदर घुसा तो दूल्हे को हिरासत में लिया गया। लोगों के बीच सुगबुगाहट होने लगी कि आखिर दूल्हा क्यों हिरासत में लिया गया। जो कारण सामने निकल कर आया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। अमरोहा के मोहल्ला अहमदनगर निवासी कामिल अरविंद कुमार, ताजिया मुरादाबाद के डॉक्टर नफीज अहमद सैफी और नजरुल हसन खिलाफ बीती 24 नवंबर को शहर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इन सभी पर गिरोह बनाकर नकली करेंसी छापने के आरोप में पहले से ही मुकदमा दर्ज है। पुलिस तभी से आरोपी की गिरफ्तारी की फिराक में थी। पुलिस को सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अरविंद कुमार की शादी है, बारात अमरोहा के किसी एक मंडप में जानी है। सटीक सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने बैंक्वेट हॉल के पास घेराबंदी कर ली। बताया जा रहा है कि जैसे ही गैंगस्टर एक्ट के आरोपी दूल्हे अरविंद कुमार की पदत बैंक्वेट हॉल के पास पहुंची, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। दूल्हे की गिरफ्तारी की खबर जब बारातियों में फैली और इसकी सूचना जब दुल्हन तक पहुंची तो दुल्हन ने भी शादी से इनकार कर दिया और बीच रास्ते से ही बारातियों को लौटना पड़ा। वहीं सारी शादी की तैयारियां धरी की धरी रह गई। पुलिस भी दूल्हे को जीप में बैठाकर सीधा कोतवाली ले आई। फिलहाल पुलिस ने दूल्हे राजा को गैंगस्टर एक्ट के तहत न्यायालय में भेज दिया है, उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के इस क्रम में अमरोहा नगर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर गैंगस्टर के अभियोग में वांछित अभियुक्त अरविंद कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी मोहल्ला अहमदनगर थाना अमरोहा नगर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दुल्हन के शादी से इनकार करने के बाद दोनों घरों में मातम पसरा हुआ है। दुल्हन के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि पहले से मालूम होता तो इतना नुकसान ना होता। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।